अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक वी शुड नो समथिंग अबाउट ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। अगर मैक्रोमोलिक्यूल डीएनए है, वी आर डिटेक्टिंग डीएनए, सो इस प्रोसेस को कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। और अगर मैक्रोमोलिक्यूल आरएनए है एंड वी आर डिटेक्टिंग आरएनए, सो इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन है, वी आर डिटेक्टिंग प्रोटीन्स, सो इस प्रोसेस को कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की जो टेक्निक है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू साउदर्न ब्लॉटिंग। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वी आर एनालाइजिंग जीन एक्सप्रेशन। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सेल है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में डीएनए है और डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में। हम डीएनए को कह सकते हैं जीन, और जीन जितनी अपनी एक्सप्रेशन शो करेगा उतना ही आरएनए बनेगा। तो हमने ये देखना है कि जीन कितना एक्सप्रेस हुआ है, कितना आरएनए बना है, बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इट इज़ अ टेक्निक इन विच सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू इंटरेक्ट, सो दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आर हाइब्रिड्स। और हाइब्रिड्स फॉर्म करते हैं किस तरह? विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाइब्रिड्स बनाते हैं विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। नाउ प्रोसीजर। प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आरएनए की एक्सट्रैक्शन हो गई। सेल में से हमने आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो हमारे पास सैंपल था उसमें से आरएनए एक्सट्रैक्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो आरएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है उस पर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करवाया जाएगा। आरएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सो दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, दे विल मूव स्लो इन द जेल। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, दे विल मूव फास्टर। सो ये जेल के ऊपर आरएनए मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस इस तरह सेपरेट हो गए हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स इस तरह सेपरेट हो जाएंगे जेल के ऊपर। इस जेल की प्रिपरेशन के वक्त एक और केमिकल भी डाला जाएगा, वह है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसलिए डाला जाता है कि ये मेंटेन करता है आरएनए को अपनी लीनियर फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? जो आरएनए मॉलिक्यूल्स जो इस जेल के ऊपर सेपरेट हुए हैं, उसको हम ट्रांसफर करेंगे नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर क्यों ट्रांसफर करेंगे नायलॉन मेम्ब्रेन? क्योंकि इट विल फॉर्म स्ट्रांग बॉन्ड विद द मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीकर है, बीकर के ऊपर अंदर ट्रांसफर बफर प्रेजेंट है। हमने इस बीकर के अंदर इस जेल को रखना है जिसके ऊपर ये आरएनए मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस सेपरेट हुए हैं, आरएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हुए हैं। इस ट्रांसफर बफर के ऊपर हमने इस जेल को रखना है। इस जेल की सपोर्ट के लिए हम स्पंज रखेंगे और इस स्पंज के ऊपर हम लोग ये जेल रखेंगे। जेल के ऊपर मेम्ब्रेन रखेंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन, और फाइनली इसके ऊपर हम वेयर्स रखेंगे। इस तरह ये बन गया। अब इसके ऊपर जो ट्रांसफर बफर है, थ्रू कैपिलरी एक्शन ये मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जब ये यहां जेल के पास पहुंचेगा, जेल के ऊपर जो आरएनए मॉलिक्यूल्स सेपरेशन हुई हुई है वो ट्रांसफर हो जाएगी नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। सो जो आरएनए मॉलिक्यूल्स की सीक्वेंस है, जो सेपरेट हुए हुए आरएनए मॉलिक्यूल्स, वो नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आरएनए मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस आए हैं, जो सेपरेटेड आरएनए मॉलिक्यूल से नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आए हैं, इट इज देन फिक्स्ड यूजिंग यूवी रेडिएशन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन है, इट इज देन मिक्स्ड विद द प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस, और ये टैग्ड होते हैं विद द डिटेक्टर मॉलिक्यूल। रेडियो एक्टिव लेबल डिटेक्टर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होते हैं प्रॉब्स। बेसिकली इनका जो सीक्वेंस होता है, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द आरएनए सीक्वेंस। हमारा जो रिक्वायर्ड आरएनए है, उसके सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्स का सीक्वेंस होता है। हमें ये देखना है कि एक जीन कितना एक्सप्रेस हुआ है, सो इसीलिए हमें डीएनए की सीक्वेंस नोन होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें आरएनए की सीक्वेंस नोन होती है, सो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब डिज़ाइन करते हैं। प्रॉब का जो सीक्वेंस होता है, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द आरएनए सीक्वेंस। जो हमारा रिक्वायर्ड आरएनए है, उस सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्स का सीक्वेंस होता है। प्रॉब्स जाके आरएनए के साथ बाइंड होगा। अगर जीन की एक्सप्रेशन हुई है, अगर आरएनए प्रेजेंट है, तो प्रॉब जाके आरएनए के साथ बाइंड होगा। हमें पता चलेगा कि ये जीन कितना एक्सप्रेस हुआ है और कितना आरएनए बना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो प्रॉब्स बाइंड नहीं हुए, वो रिमूव हो जाएंगे विद द वॉशिंग,
और जो प्रॉप्स बाइंड हुए हैं, जो हाइब्रिड हुए हैं विद द आरएनए मॉलिक्यूल्स, वो रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है, डिटेक्ट हो जाएंगे विद द ऑटो रेडियोग्राफी, और ये जो ग्राफ है इट इज़ डन रन ऑन द एक्सरे फिल्म। सो इसीलिए हम विजुलाइज भी कर सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रॉप्स के साथ बाइंड हुए हैं, जीन कितना एक्सप्रेस हुआ है। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले आरएनए एक्सट्रैक्ट हुआ, देन उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद जो आरएनए मॉलिक्यूल्स का जो सीक्वेंस है जेल पे सेपरेट हुआ है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा नायलॉन मेम्ब्रेन पे। नायलॉन मेम्ब्रेन मिक्स होगा प्रॉप्स के साथ, प्रॉप्स रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है, और फाइनली विजुलाइजेशन ऑफ लेबल्ड आरएनए ऑन एक्सरे फिल्म, वो आरएनए जो प्रॉप्स के साथ बाइंड हो गए हैं फाइनली विजुलाइज हो जाएंगे ऑन द एक्सरे फिल्म। सो गाइज, दिस वॉज अबाउट नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you and Allah Hafiz.